देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। झीरम कांड पर उछाल रहे सियासी सवाल, भाजपा और कांग्रेस में फिर से चालू हुआ आरोप और प्रत्यारोप का दौर। आरोप लगाना शुरू कर देती है। इस मामले में रायपुर से सांसद सुनील सोनी ने कहा कि जब भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, तब बतौर विधायक उन्होंने विधानसभा में कहा था कि झीरम का सबूत मेरी जेब में पड़ा है, जिससे दोषियों को सजा मिल सकती है। सुनील सोनी ने कहा कि अब निकालिए ना जेब से बाहर उस सबूत को। केंद्र सरकार पर फिजूल के आरोप से काम नहीं चलता, आप कराइए ना जांच, किसने रोका है। इससे पूर्व भूपेश बघेल बोले कि हम झीरम कांड के पीड़ितों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि इस मामले की जांच हो। यह एक राजनीतिक आपराधिक साजिश थी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। झीरम घटना के 8 साल बीत जाने के बावजूद भी न हमें जांच करने दे रहे हैं और न खुद कर रहे हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, सब जानते हैं, लेकिन NIA न खुद जांच कर रही है और न हमें करने दे रही है। रिपोर्ट खटपट न्यूज रायपुर।